हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पीके सिंह रघुवंशी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रोजेक्ट का सीआरएस होने वाला है और उसी के अंतर्गत आप देख रहे हैं सीआरएस की टीम अभी हमारा सिटी और सिटी से लेकर हमारा जो सिटी का बायोडक्ट है और गंगा ब्रिज का जो एसपी सिंगला हमारा ब्रिज है, रेलकम रोड ब्रिज, उसका इरेक्शन सीआरएस जो है कम्प्लीट हो चुका है। अभी सीआरएस की टीम हमारा ताड़ीघाट अपार्टमेंट जो है हमारा रेल बायोडक्ट डबल A5 पे पहुँच चुकी है। यहाँ नीचे से गडर और बियरिंग का इंस्पेक्शन करने के बाद हमारे सर जो है सीआरएस के मिस्टर लतीफ़ सर अभी देख सकते हैं ऊपर आए हुए हैं, ट्रॉली में बैठे हुए फ्रंट पे। अभी यहाँ पे जलपान करेंगे ये लोग, उसके बाद जो ये काफिला है आगे बढ़ेगा। हमारा जो ताड़ीघाट बायोडक्ट में जो माइनर ब्रिजेज हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा, जो कि 7000 माइनर ब्रिज है वो सेलेक्ट किया गया है सीआरएस के लिए। आप देख सकते हैं सब हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट श्री अश्विनी कुमार सर मिस्टर लतीफ़ खान सर से गुफ्तगु करते हुए, पुराने बहुत सारे प्रोजेक्टों पे सीआरएस के दौरान दोनों लोगों की मुलाकातें हुई हैं, तो आज उसी सिलसिले में बातें हो रही हैं कि अब जो है प्रोजेक्ट जो है हमारा पूरा सिटी से लेके ताड़ीघाट का हमारा पूरा सीआरएस कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही देर में। और हर जगह की जो वर्कबिलिटी चेक की गई है, जो भी हमारी क्वालिटी चेक की गई है उसमें 100% एक्यूरेसी तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% एक्यूरेसी हर जगह सेटिस्फेक्शन के रूप में सीआरएस की टीम को मिली है, जिससे बहुत ही जल्द हमारा यहाँ पे सीआरएस ने ग्रीन झंडी के साथ ट्रेनों का संचालन शुरू करने का मौका मिलेगा हमें। अब देख सकते हैं सीआरएस की टीम ताड़ीघाट रेल बायोडक्ट होते हुए अब हमारा ताड़ीघाट माइनर ब्रिज की तरफ बढ़ रही है। ताड़ीघाट माइनर ब्रिज का इंस्पेक्शन करने के बाद टीम हमारी पहुँचेगी जो हमारा सोनोवल रेलवे स्टेशन है वहाँ पे सोनोबल रेलवे स्टेशन का स्टेशन बिल्डिंग का ये सब का निरीक्षण करने के बाद वहाँ पे स्पीड ट्रायल का आरंभ होगा। वहाँ पे कुछ पूजा पाठ की जाएगी, उसके बाद सीआरएस को स्पीड ट्रायल के लिए आगे बढ़ेंगे हम लोग सिटी स्टेशन तक। तो चलिए चलते हैं 7000 माइनर ब्रिज पे। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं 7000 माइनर ब्रिज पर, देख सकते हैं सीआरएस के लिए फुल तैयारी की गई है। जो बोल्डर पिचिंग है उनकी कलरिंग की गई है, अंदर हमारे ब्रिजेस की फिनिशिंग की गई है। सामने आप देख रहे हैं हाइट गेज है, हाइट गेज भी लगाया गया है और आवागमन के लिए फुटपाथ बनाया गया है। और अभी जो लतीफ़ सर है हमें यहाँ पे ड्राइंग का स्टडी कर रहे हैं कि कौन सी ड्राइंग के हिसाब से क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे, और इनकी तरफ से जो हमारे फुटपाथ है बने हुए ब्रिज के अंदर उनके ऊपर रेलिंग लगाने का निर्देश दिया गया कि इस पर रेलिंग लगाने से इस ब्रिज की और जो खूबसूरती बढ़ जाएगी और लोगों को और आराम होगा आने जाने में, और दोनों बगल फुटपाथ पर सीढ़ी बनाने का निर्देश दिया है। तो ये देखते हैं 7000 माइनर ब्रिज, देख सकते हैं अंदर से पूरी फिनिशिंग इसकी सब रेडी हो चुकी है। सीआरएस की टीम अब यहाँ से निकल चुकी है सोनोवल के लिए। तो दोस्तों सोनोवल स्टेशन पर पहुँचते ही वहाँ पे एक वीडियो अभी मैं थोड़ी देर में अपलोड करूँगा और वहाँ पे बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है दोस्तों, क्योंकि सोनोवल स्टेशन का लुक आप अभी तक जितनी वीडियो देखी होंगे उसमें एकदम चेंज मिलेगा। तो चलिए चलते हैं सीआरएस की टीम के साथ सोनोवल रेलवे स्टेशन पर और मिलते हैं नई वीडियो के साथ।